नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में होली के दिन होलिका दहन में लौंग के कुछ खास उपाय करने मात्र से सभी परेशानियों का तुरंत ख़त्म होते हुए देख सकते हैं, उनका असर देख सकते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप भी भगवान विष्णु के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और दोस्तों इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को पड़ती है। रंग और गुलाल के इस त्यौहार को दो दिन में मनाया जाता है। होली खुशियों का त्यौहार है। खुशियों का ये त्यौहार हम सब के लिए भी खुशियां लेकर आता है। इस दिन सब लोग सारे गम भुलाकर एक दूसरे को रंग लगाकर गले लगाते हैं। दोस्तों इस बार होली आपके लिए भी बेहद खास होने वाली है। होली के दिन कुछ खास उपाय लौंग के करके आप अपनी सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों साल में एक बार आने वाले होली के पर्व का हिंदू धर्म के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत महत्व है। मान्यताओं के अनुसार होली वाले दिन किए गए उपायों का फल अति शीघ्र प्राप्त होता है। आज हम आपको यहाँ पर होली पर करने योग्य कुछ टोटके और उपायों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुक्ति दिलाते हैं। दोस्तों हम सबकी ज़िंदगी में पैसों को लेकर हमेशा सबकी चाहत होती है कि उस खूब सारा पैसा कमाए और अपने परिवार का अच्छे से लालन पालन करे। लेकिन व्यक्ति की बहुत सारी मेहनत, खूब खून पसीना एक करने के बावजूद भी उस व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है। कई व्यक्तियों की इच्छाएं कई प्रकार से पूरी नहीं हो पाती है। दोस्तों पहले आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री हरि विष्णु लिखकर भेज दें। दोस्तों इस वजह से कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियों की वजह से भी कई इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में बाधाएं आने लगती है और पैसे की तंगाई की वजह से व्यक्ति अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण भी नहीं कर सकता है। तो होलिका दहन में आप अपनी सभी परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने करना क्या है वो सुन लीजिए। होली वाले शाम आपने नहा धोकर एकदम स्वच्छ हो लेना है। दोस्तों उपाय बताऊं उससे पहले मैं आपको होली का शुभ मुहूर्त बता दूं ताकि उपाय कब करना है आपको पता हो। दोस्तों होली के दिन होलिका के दहन का शुभ मुहूर्त जो है वो शाम को 6:22 से लेकर रात को 8:49 तक रहेगा। होली 9 मार्च के दिन है। भद्रा का आरंभ होगा दोस्तों 9:37 से लेकर 10:38 तक और भद्रा समाप्त 10:38 से लेकर 12:19 तक रहेगी। रंग वाली होली 10 मार्च के दिन खेली जाएगी और पूर्णिमा तिथि का जो आरंभ है वो 3:03 पर 9 मार्च से ही हो जाएगा। तो ये आपको अभी पता लग गया है शुभ मुहूर्त का। तो आपने होली वाले दिन नहा धोकर एकदम स्वच्छ हो लेना है, स्वच्छता का पूरा विशेष ख्याल रखना है। उसके बाद दोस्तों जो भी घर का मुखिया हो, जो घर का पालन पोषण करता हो, जो घर में हमेशा आगे हो किसी भी कार्य को, घर का जो मुखिया होता है वो इस कार्य को करें। घर का मुखिया एक दोस्तों देसी घी, जो शुद्ध घी होता है, जो गाय का घी होता है, वो देसी घी लेना है। और दो आपने साबुत लौंग लेनी है। साबुत लौंग यानी कि जो लौंग टूटी फूटी ना हो, अच्छी सी हो, कटी फटी ना हो, पूरी साबुत लौंग लेनी है। साबुत लौंग लेने के बाद आपने उस साबुत लौंग को लेकर उस शुद्ध देसी घी में भिगो देनी है। फिर अब दोस्तों आपको एक पान का पत्ता लेना है, एक पान का पत्ता और एक बताशा लेना है। दोस्तों पान का पत्ता और एक बताशा और एक जो दो लौंग, दोनों लेकर जब होली का दहन हो, यानी जब होली जलाई जाए, होली का दहन हो, तब होली का दहन से पहले आप वहाँ पहुँच जाएँ और होली का दहन में आपने उस एक दो लौंग, एक पान का पत्ता और बताशा, इन तीनों को होली का दहन में चढ़ाएँ और अपने घर की दरिद्रता और गरीबी को उसके साथ होली का दहन में जल जाने के लिए मन ही मन उनसे कहें।
इसके बाद आपने होलिका दहन, जब होलिका जल रही हो तो होलिका की 3 परिक्रमाएं लगानी है। होलिका की 3 परिक्रमाएं आपने घड़ी की दिशा में लगाना है, यानी जिस तरह से घड़ी घूमती है उस तरह से उसी दिशा में आपने 3 परिक्रमाएं लगानी है। उसके बाद दोस्तों आपने सूखा नारियल जो आता है उस सूखे नारियल को लेकर उस होलिका दहन में आहुति दे देनी है। दोस्तों ऐसा करने से कितनी भी बड़ी घर में दरिद्रता और गरीबी हो, वो दरिद्रता और गरीबी उस होली के साथ ही जल जाती है। होलिका दहन में गरीबी और दरिद्रता को जलाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से आप अपने घर पर निवास करने के लिए कहें। दोस्तों ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और दोस्तों हमेशा के लिए माता लक्ष्मी का निवास हो जाता है। और दोस्तों कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न हो, बहुत जल्दी इसका असर आपको देखने को मिल जाता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सारी चीज़ें ठीक हो रही है और सुरक्षित हो रही है, आप बेहद ही खुश हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में आ रही सभी कष्टों को विराम लग जाएगा। कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, इसे करने से सभी किस्से ख़त्म हो जाते हैं। अब दोस्तों होली के दिन ही एक और छोटा सा उपाय है जिसे आपको कर लेना चाहिए। दोस्तों होलिका दहन के दिन ही, जब होलिका दहन हो उसी रात को आपने आधी रात को, यानी होलिका दहन के 2-2.5 घंटे बाद आपने एक देसी घी का दीपक लेना है और उस दीपक को लेकर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे चले जाएं। और दोस्तों उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर उस दीपक को लगा देना है। दीपक को लगाने के बाद हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से आपकी जो भी मनोकामनाएं हो, कई सालों पुरानी मनोकामना हो जो आपकी पूर्ण नहीं हो रही हो, और आपकी लाख उपाय करने के बावजूद भी मनोकामना अगर पूर्ण नहीं हो रही हो, तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर उस जो मनोकामना है उसको पूरी करने के लिए उनसे आग्रह करें। उसके बाद दोस्तों आपने सफ़ेद तिल थोड़े से साथ में ले जाने हैं। सफ़ेद तिल कितने आप ले जाएंगे कि आपकी एक मुट्ठी में सफ़ेद तिल आए, इतने ही आपको साथ में लेकर जाना है। अब दोस्तों आपने मुट्ठी में सफ़ेद तिल लेना है और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा करते हुए ध्यान रखना है कि जब आपके हाथ में जो सफ़ेद तिल है वो धीरे धीरे परिक्रमा के साथ ही छोड़ते जाना है, और वो इस प्रकार से छोड़ना है कि जब तक आप 7 परिक्रमा करें तब तक वो तिल धीरे धीरे ख़त्म ना हो, और 7वीं परिक्रमा में जहाँ परिक्रमा ख़त्म करते हैं वहाँ पर एकदम हाथ आपका खाली हो जाना चाहिए। इस प्रकार से धीरे धीरे उन तिलों को छोड़ना है। उन तिलों के छोड़ने के बाद अब आपको पीपल को प्रणाम करना है और एक बार फिर से हाथ जोड़ना है और आपकी सारी मनोकामना है वो उस पीपल को पेड़ को बता देनी है। उसके बाद दोस्तों आप फिर वापस घर लौट आना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि घर लौटते वक्त आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी एक बार भी नहीं देखना है, इस चीज़ का खास ख्याल रखें। और जब भी आप ये उपाय कर रहे हो तब इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप जितना भी मुमकिन हो आप अकेले ही जाएं। अगर आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति जाए तो आप आपस में बातचीत नहीं करें, और दोस्तों आप इस उपाय के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताएंगे जब तक कि आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती। दोस्तों इस उपाय को करने मात्र से जितनी मर्जी पुरानी आपकी मनोकामना हो बहुत जल्द वो पूर्ण हो जाती है, और इस मनोकामना को पूर्ण होने के बाद आप किसी को भी इसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन अगर आप इस उपाय को करते हैं और किसी दूसरे को आप अपनी मनोकामना ये बता देते हैं तो आपकी वो मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। इस चीज़ को करने से कितनी भी बड़ी क्यों ना मनोकामना हो वो तुरंत ही पूरी हो जाती है। दोस्तों होली का दिन एक ऐसा दिन होता है जो दिन आप जो भी उपाय करते हैं वे बेहद जल्द अपना असर दिखाते हैं। होली के दिन को उपायों और टोटके के लिए सबसे अनुकूल दिन माना जाता है। भारतीय शास्त्रों और पुराणों में भी होली के दिन बेहद ही खास बताया गया है उपायों और टोटकों के लिए। तो दोस्तों ये थे होली के वो खास उपाय जिनको करने से आपको बेहद ही जल्द लाभ मिलता है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा ये दी गई सारी जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो कमेंट अच्छा लगा हो तो इसके कमेंट बॉक्स में जाकर आपने जय श्री हरि विष्णु लिखकर हमें भेज दें, हमें बेहद ही खुशी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।